पहला चैप्टर में हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन देखा था और वहां पर हम लोगों ने जाना था कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने ये देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक स्केलर दूसरा वेक्टर। इन फर्स्ट चैप्टर हमने ये देखा था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अब हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हम ये देखने वाले हैं कि जो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो दो तरह का होता है, एक स्केलर दूसरा वेक्टर। स्केलर इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Now, magnitude. What is the meaning of magnitude? Magnitude means only and only amount. Amount means quantity present in a physical quantity. Direction of a physical quantity means direction. अब देखो बच्चे, direction जो है वो पूरब भी हो सकता है, पश्चिम भी हो सकता है, उत्तर भी हो सकता है, दक्षिण भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। और इसके साथ साथ पूरब और उत्तर के बीच में भी हो सकता है। तो क्या हम इतनी भाषा को बोलेंगे, इतनी बातों को बोलेंगे? नहीं, हमको कंसेप्चुअलाइज बात को करना है। तो कैसे करेंगे? तो डायरेक्शन का मीनिंग समझना होगा। डायरेक्शन का मतलब होता है सेंस। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? सेंस। और सेंस जो है दो ही तरह का होता है, एक पॉजिटिव सेंस और दूसरा निगेटिव सेंस। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? तो अगर मान लो कोई बच्चा कहता है पूरब जो है उसके लिए पॉजिटिव सेंस है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो उसी बच्चों के लिए पश्चिम क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंस हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। अब कोई बच्चा है वो ये भी कह सकता है कि ना पूरब जो है हमारे लिए निगेटिव है, उस बच्चे के लिए क्या होगा? पश्चिम जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कौन बच्चा सही कौन बच्चा गलत? तो फिजिक्स कहता है कि दोनों बच्चा अपने जगह पर सही है। तो इसका मतलब ये जो सेंस है, ये जो डायरेक्शन है, वो आप अपने ढंग से यूज कर सकते हो। अगर ऊपर जाना पॉजिटिव तो नीचे आना नेगेटिव, यूज इसी तरह से करना है। तो डायरेक्शन का मतलब होता है सेंस। सेंस दो तरह का, एक पॉजिटिव सेंस दूसरा नेगेटिव सेंस। अब कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि एग्जाम्पल ऑफ स्केलर एंड एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। तो स्केलर कौन कौन सा है? डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, टाइम, इटीसी एक्सेट्रा। उसी तरह से वेक्टर कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इटीसी एक्सेट्रा। हाउ टू राइट वेक्टर? तो अब देखिए कि हमको मान लीजिए कि ए से बी, यानी दिल्ली से बॉम्बे, ए से बी तक हमको जाना है। हम कितने तरीके से ए से बी तक जा सकते हैं? तो एक रास्ता तो हमारा ये है जो जिग जैग पाथ है, जो जिग जैग पाथ है। और दूसरा रास्ता क्या है? एकदम स्ट्रेट। क्या है ये? एकदम स्ट्रेट पाथ है। तो हमारे पास दो रास्ता है, एक रास्ता को जिग जैग फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा रास्ता क्या है? स्ट्रेट है। ये क्या है? स्ट्रेट है। और ये क्या है? कर्व है। ये कर्व है। तो वी कैन गो फ्रॉम ए टू बी इन टू डिफरेंट वे, वन थ्रू कर्व, अदर थ्रू स्ट्रेट वे। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर है।
अब हम इसको समझेंगे कैसे? तो जो पहला रास्ता है उसमें अमाउंट तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन आप डायरेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? तो क्या डायरेक्शन? मान लीजिए ये जो है नॉर्थ है और ये जो है ईस्ट है, तो डायरेक्शन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? तो इसके पहला रास्ता डायरेक्शन, तो आप तो कंफर्म है कि दे दीजिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट 100 किलोमीटर, इट इज ए मैग्नीट्यूड। बट व्हाट यू कैन से अबाउट डायरेक्शन? तो यू कैन से नथिंग अबाउट डायरेक्शन। तो दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, बट दिस फिजिकल क्वांटिटी हैव नो डायरेक्शन। तो दिस इज ए हिंदी थोड़ी स्पेस, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर। क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। लेकिन इस क्वांटिटी के बारे में क्या बोलेंगे? इसमें अमाउंट भी है 50 किलोमीटर और स्ट्रेट है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, यानी जो एवी है उसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, और जो एवी पार्ट वन है उसमें केवल केवल मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये रास्ता जो है वो स्केलर है और ये रास्ता जो है वो वेक्टर है। इसका मतलब फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ वन वन ये क्या है? स्केलर। लेकिन ए बी थ्रू पाथ टू ये क्या है? अब ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड और ए बी कितना है? 100 किलोमीटर अमाउंट। और डायरेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? नो। लेकिन इसमें एबी का मैग्नीट्यूड कितना है? बराबर 50 किलोमीटर। लेकिन डायरेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? ईस्ट। यानी ये एबी जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी, और ये एबी है उसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं। ये क्या हो गया? स्केलर। और ये क्या हो गया? वेक्टर। तो हम ये सीख रहे हैं हाउ टू राइट ए वेक्टर। तो अब देखिए कि हाउ टू राइट ए वेक्टर, तो हमारे पास दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है। तो इसको हमने ये कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या है? वेक्टर। ए वेक्टर इज, तो अब यहां पर लिखोगे वेक्टर, ए वेक्टर इज ऑलवेज रिटेन बाय कनेक्टिंग टू पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ए वेक्टर इज ऑलवेज रिटेन बाय कनेक्टिंग टू पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन। ए वेक्टर इज ऑलवेज रिटेन बाय कनेक्टिंग टू पॉइंट बाय ए स्ट्रेट तो यही दो पॉइंट है जिसको हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया तो क्या हो गया? वेक्टर हो गया। कर्व लाइन से जोड़ दिया तो क्या हो गया? स्केलर। हम वेक्टर के बारे में हाउ टू राइट ए वेक्टर, ए वेक्टर इज ऑलवेज रिटेन बाय कनेक्टिंग टू पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन। अब इसमें इसका मैग्नीट्यूड, तो इसको जैसे हाउ टू राइट है
इसको हम लिखेंगे कैसे, ए बी और ऊपर एक एरो। इसका मतलब हुआ कि ए इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट, बी इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, एंड दिस एरो मीन्स वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी। एरो का मतलब होता है वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मतलब फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। दिस एरो इंडिकेट्स व्हाट डायरेक्शन, तो हाउ टू राइट ए वेक्टर, एक वेक्टर को हम हमेशा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट उसके ऊपर एरो, तो दिस इज हाउ टू राइट ए वेक्टर। अब कह दिए तो इसका वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, तो मॉड ए ऊपर एक एरो। अब जो हम बतलाने जा रहे हैं वो क्या बतलाने जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका जो सिंबल होता है उसको हम एन कैप से नोट करते हैं, याद कीजिए ठीक से देखिए, स्मॉल एन और ऊपर कैप, एन कैप। अब इसका डिफिनेशन क्या है, तो वेयर ए वेक्टर, सर कट रहे बहुत ऊपर हो गए, वेयर ए वेक्टर इज डिवाइडेड बार इट्स मैग्नीट्यूड इट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब इसी को वर्ड में हम कैसे, अब देखिए कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है एक, तो हाउ टू राइट ए वेक्टर, एक वेक्टर को हम लिखते हैं दिस इज योर वेक्टर। अब हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मॉड ए, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इज इट कंफर्टेबल, समझ में आ गई बात, चलो अब हम आगे की बात करते हैं। इस दिशा में
ए रोड इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसमें हम ओरिजिन बना देते हैं, वो ए बी सी डी कई सारे, और इस पर एक मार्किंग ही दे देते हैं, ये 0 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। अब कहते हैं ओ डी इज इक्वल टू हाउ मच, 4 मीटर। अब इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। तो वेक्टर ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मीटर ईस्ट। यानी ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन। इसका मतलब हो गया कि ओ डी इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ओ डी इज सिंपली इक्वल टू 4 मीटर, ये मैग्नीट्यूड का मतलब है। ये जो है मतलब मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसी में तो ओ डी इज इक्वल टू 4 मीटर, डायरेक्शन इज गिवन ईस्ट, वेक्टर ओ डी इज 4 मीटर ईस्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑनली 4 मीटर। दिस इज द मीनिंग, सिंपल मीनिंग ऑफ दैट। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड यूज इट, दिस इज व्हाट फिजिक्स। अब देखिए कि यूनिट वेक्टर कितना हो गया, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बराबर कितना, 4 मीटर ईस्ट डिवाइडेड बाय 4 मीटर इज इक्वल टू ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यूनिट वेक्टर वेक्टर सिंपली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर सिंपली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। अब कितनी बातें हमको समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर जो है हमारा एन कैप सिंपली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ये सारी खेल इसलिए हो रहा है कि हम लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिजिक्स को हम भाषा में नहीं, लैंग्वेज में नहीं, यूनिट पर सिंबल से हम समझने का कोशिश करेंगे, और पूरा फिजिक्स सिंबल में ही है हमारा। तो इसको अब हम निकाल रहे हैं और आगे जो है हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम लिखना चाहेंगे कि वेक्टर ए इस, इसका मतलब क्या है, 1, 2 मीटर ईस्ट, तो कैन बी राइट दिस इज इक्वल टू 2 एन कैप, कैन बी राइट। तो यूनिट वेक्टर हैज सिंप्लीफाइड आइडियाज, 2 इज द मैग्नीट्यूड, कैप इज द डायरेक्शन, 2 एन कैप। और यहां पर अब एक चीज और ध्यान में रखिए कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बाद में ये पढ़ने वाले हैं, यूनिट वेक्टर है उसको बाद में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे एक्स एक्सिस होता है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होगा, उसको बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। तो वी कैन से I, J, K are the unit vector along x-axis, y-axis and z-axis. लिख देते हैं, फिर बाद में पढ़ने वाले हैं। I cap, J cap and K cap is the
यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो यहां तक बच्चों आप लोगों को बात क्लियर है, समझ में आया. अब हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. अब देखिए, अगर एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो आपसे पूछेगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट इज ए प्लस बी, तो आप क्या करेंगे. तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है. हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो. तो आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बतलाते हैं हम आपको. तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का जितना लेंथ है यानी जितना मैग्नीट्यूड, लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड, उस लेंथ का एक लाइन खींचेंगे, यानी दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ. और अगर इसका जो डायरेक्शन है ठीक उसी डायरेक्शन में एक दूसरा लाइन खींचेंगे, और इसका ये हेड है, इस हेड पर ये टेल है और ये हेड है, टेल एंड हेड, ये टेल एंड हेड. तो पहले वेक्टर ए वेक्टर के हेड पर, ए वेक्टर के हेड पर हम बी वेक्टर का टेल रखेंगे, ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर. अब इसमें ये ध्यान देना है, जितना मैग्नीट्यूड ए का है, जितना लेंथ ए का है, वही लेंथ हमने किया, जो डायरेक्शन ए का है उसी डायरेक्शन को. इसका मतलब क्या है, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम दे आर इक्वल वेक्टर. अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी वेक्टर ए ही हो जाएगा. क्यों, अगर स्पेस में कोई जगह बदल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा, हमको एक ही बात देखना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी सेम, तो उसका मतलब होता है इक्वल वेक्टर. तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो ये भी क्या हो गया, इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर मतलब अगर ये ए है तो ये भी आपका ए हो गया. फिर इसके बाद इसके हेड पर हम बी का टेल रखते हैं, और बी का टेल रखने के बाद जो इसका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमने एक लाइन खींचा, सेम डायरेक्शन, पैरेलल सेम डायरेक्शन, और जो इसका लेंथ है वही लेंथ हमने यहां पर लिया. तो अगर सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड तो ये इक्वल वेक्टर, ये भी हो गया बी. और फिर इसके बाद इसके टेल और इसके हेड को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, इसके हेड और इसके टेल को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं. अब कहता है ये तो ए ये तो बी है, तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ए प्लस बी. अब इसका नाम भी दीजिए, अगर मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है, ए बी एंड सी, तो अब इसका मतलब हो गया कि ए बी प्लस बी सी बराबर कितना, तो इसके हेड और इसको टेल को मिलाया, ये हेड है, ये क्या है टेल है और ये इसका हेड है, तो बराबर कितना ए सी. ए वेक्टर इज ऑलवेज रिटेन बाय कनेक्टिंग टू पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन,
The vector is always written by connecting two point by a straight line. इसका मतलब हो गया कि AC is equal to resultant vector is equal to A plus B. अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरा सवाल A minus B कितना होगा? What is A minus B? Question mark. अब इसके लिए क्या करेंगे? तो दूसरा फिगर बना लेते हैं. और दूसरा फिगर ये है कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचा और इसका जो लेंथ है वही लेंथ ये है. ये क्या है? सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर. लेकिन अब क्या लिखना है? अब जो लिखना है माइनस वेक्टर माइनस माइनस बी का मतलब होता है अगर ये वेक्टर प्लस बी है तो माइनस नेगेटिव ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग सिंपली रिवर्सिंग द डायरेक्शन. तो ये अगर प्लस बी है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी. यानी अब आपको प्लस बी नहीं लिखना है, अब आपको माइनस बी लिखना है. माइनस बी लिखने के लिए हम क्या करेंगे? अब इस लाइन तो इस लाइन को कहां यानी इसके हेड पर लिखना है. तो हमने एक लाइन ऐसे खींचा यानी दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल एंड दिस लेंथ इज इक्वल. तो ये दोनों क्या होता है? इक्वल है. ये अगर माइनस बी है तो ये बी कितना हो गया? माइनस बी. और ये मान लीजिए अगर ए है और ये अगर बी है और ये अगर डी है तो अब ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू कितना? तो ए वेक्टर इज ऑलवेज रिटेन बाय कनेक्टिंग टू पॉइंट बाय ए स्ट्रेट लाइन. तो ये कितना हो गया? बराबर ए डी. तो ये बच्चों अगर ये एडिशन है तो ये सब्सट्रैक्शन है. सेम टेक्निक अप्लाई कॉन्सेप्ट इज अप्लाई एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट यू आर कंफर्टेबल विद इट. राइट नाउ वी विल गो नेक्स्ट. तो हमने ये बताया था कि मान लीजिए ये ईस्ट डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है और आप जो है अपने घर से पूर्व दिशा में चले हैं. ये क्वेश्चन नंबर वन रखा जी. आप ए से बी तक कितना गए? 4 मीटर. अब फिर बी से सी तक आप कितना गए? 3 मीटर. यानी ए से बी तक आप गए 4 मीटर, बी से सी तक गए आप 3 मीटर. तो आप क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर ईस्ट. ओके, तो कितना हो गया? ए बी प्लस बी सी कितना हो गया मेरे बच्चों? जल्दी से बोल दीजिए. बराबर ए सी. बराबर कितना हो गया? 7 मीटर ईस्ट. ये क्या है? मैग्नीट्यूड. ये क्या है? डायरेक्शन. ए वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये बात समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए. अगर आप ए से बी तक गए और ये 4 मीटर है और फिर बी से सी तक गए 3 मीटर, तो अगर ये ईस्ट है तो ये क्या हो गया? वेस्ट. अब देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर कितना मेरे बच्चों? 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर वेस्ट. क्या इसको हम लिख सकते? आप जब ये वेक्टर अगर है तो यहां से एक वेक्टर अगर ले लें हम तो ये कितना है? 3 मीटर ईस्ट.
ऐसा डायरेक्शन जब हम बदल देते हैं, और अगर ये बड़ा मायने है तो नेगेटिव वेक्टर का डिफिनेशन क्या होगा? अगर इसको हम रिवर्सिंग डायरेक्शन में लिख दें तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 4 मीटर ईस्ट माइनस 3 मीटर ईस्ट, बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर ईस्ट लिख सकते हैं। समझिए बात को, हमने क्या बोला, ये 4 मीटर ईस्ट है, ये क्या है 3 मीटर वेस्ट। तो क्या 3 मीटर ईस्ट को कंफ्यूज तो नहीं करें? 3 मीटर वेस्ट 3 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो 4 मीटर ईस्ट एंड 3 मीटर ईस्ट बराबर 1 मीटर। अब ये देखिए कि अगर ये 4 मीटर ईस्ट है और फिर आप ये 3 मीटर नॉर्थ गए और ये ए बी और ये बी सी, तो अब क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हाउ मच? ए सी, मतलब ये लाइन। अब कहता है कि इस ए सी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो यहां पर हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5। और डायरेक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? तो ये थीटा है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, और ये एक स्टैंडर्ड एंगल है बराबर 37 डिग्री। अब आप इसको बोलने का तरीका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है, यानी दिस इज योर ईस्ट दिस इज योर नॉर्थ, लेकिन अब डायरेक्शन एसी किधर है? इधर है। तो इसको बोलेंगे थीटा डिग्री ईस्ट, थीटा डिग्री ईस्ट फ्रॉम, सॉरी थीटा डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ये ईस्ट लाइन है ये नॉर्थ लाइन है, तो थीटा डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, थीटा डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। और इसको बोलने का, जब हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं तो वो थीटा को हम मान लेते हैं 45 डिग्री, उस थीटा को क्या मान लेते हैं? 45 डिग्री। तो आपने ये देखा कि जब 90 डिग्री है तो आपने क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम। 4 मीटर ईस्ट फिर 3 मीटर ईस्ट, सेम डायरेक्शन था तो उसको सीधा जोड़ दिया था, 4 मीटर ईस्ट और फिर 3 मीटर वेस्ट तो उसको माइनस कर दिया था, और जब 90 डिग्री था तो आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर दिया था। तो ये सारी बातें तो आप बड़ा कंफर्टेबली कर लेंगे और इसको करने में ज़्यादा दिक्कत होगा भी नहीं। अब हम आगे की बात ये करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर इधर था और दूसरा वेक्टर इधर था, ये 4 था और ये 3 था, ये ए बी था और ये सी था, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी बराबर कितना? 7 मीटर ईस्ट। फिर ये क्या था? ए बी और ये क्या था? बी सी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर कितना? ए सी, यानी ये ए सी, तो बराबर कितना? 1 मीटर ईस्ट। आपने ये देखा कि जब एंगल, यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। यानी जब एंगल 0 डिग्री है तो आपने सीधा जोड़ दिया, जब एंगल 180 डिग्री है तो आपने सीधा माइनस यूज कर दिया, और जब एंगल 90 डिग्री है तो आपने किसका यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल कि जब एक लाइन में दो वेक्टर है तो क्या करना है, जब
अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर है तो क्या करना है, और जब 90 डिग्री पर है दो वेक्टर तब आपको क्या करना है, यानी 0 डिग्री पे क्या करना है, 180 डिग्री पे क्या करना है, 90 डिग्री पे क्या करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर एंगल ना तो 0 हो, ना तो 180 हो, ना तो 90 हो, मान लीजिए 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तब क्या करेंगे। अब ये जो कहानी जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको देखिए। मान लीजिए एक वेक्टर जो है ए है, पी है, और दूसरा वेक्टर जो है वो क्यू है। अब ये ए बी है और ये बी सी है, तो ये कितना हो गया ए सी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, ए सी। अब कहेगा मॉड ए सी बराबर कितना, और ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल थीटा बराबर कितना, डायरेक्शन ये बोलना जरूरी है। अब ये जो है थोड़ा सा कठिन है, और इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। ओके, थोड़ा सा ऑफ मान लीजिए एक वेक्टर p है और दूसरा वेक्टर q है, वन वेक्टर इज p अदर वेक्टर इज q। अब कहता है, और ये मान लीजिए a, ये मान लीजिए b, और ये मान लीजिए c। तो कहता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ए सी इज इक्वल टू वेक्टर आर। अब यहां पर आपका प्रश्न आएगा कि मॉड ए सी या मॉड आर इज इक्वल टू हाउ मच, ये क्वेश्चन आएगा। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन का पैरेलल एक लाइन हम यहां खींचेंगे, और इस लाइन का पैरेलल एक लाइन हम यहां खींचेंगे। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो अगर ये वेक्टर क्यू है तो ये भी वेक्टर कितना हो गया, क्यू। अगेन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो अगर ये वेक्टर पी है तो ये भी वेक्टर कितना हो गया, पी। और ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसको आपस में आप मिला दें तो ये क्या हो गया, आर रिजल्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हमने देखा 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, 7 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, 3 मीटर वेस्ट इज इक्वल टू 1 मीटर ईस्ट। हमने देखा 4 मीटर ईस्ट, 3 मीटर नॉर्थ बराबर 7 मीटर, सॉरी बराबर 5 मीटर रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन इज 37 नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, यही हमने बोला था। अब इस केस में इसको हम कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक बात को समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए, क्या बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, दिस एंगल थीटा, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम सभी जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस।
तो इसी ट्रायंगल से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा, फिर उसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस इज इक्वल टू हाउ मच हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। अब इसका यूज फिजिक्स में बहुत सारा होने वाला है, इसको समझना है। तो अब कहीं भी आप बड़ा आराम से एक बात कर सकते हैं, और वो ये कि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा एंड बेस इज ऑलवेज हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। एक बार फिर, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा एंड बेस इज ऑलवेज हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। अब इन बातों को आप हमेशा याद रखें, बहुत यूज होने वाला है। अब आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में आ जाए, ज्योमेट्री में आ जाए, और वो हम लिखाने वाले नहीं हैं आपको। आप ये जो लाइन है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और सी से एक परपेंडिकुलर डालें। अगर ये एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन क्यू एंड पी इज थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया मेरे बच्चों, ये भी थीटा हो गया, और ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसका नाम भी दे दें, ए बी, और ये कितना था सी, और ये मान लेते हैं हम डी, और इसको हम मान लेते हैं ई। तो आपने एक्सटेंडेड ए पर एक परपेंडिकुलर डाला सी ई। अब आप मुझे बतलाइए कि बी ई बराबर कितना हो गया, अब ये देखिए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक यही चीज। तो बी ई इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू हाउ मच कॉस थीटा एंड सी ई इज इक्वल टू हाउ मच हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो बी ई बराबर कितना हो गया, जल्दी से बोल दीजिए, बी सी कॉस थीटा, यानी बी ई इज इक्वल टू हाउ मच क्यू कॉस थीटा एंड सी ई बराबर कितना हो गया। तो ये सी क्या है, परपेंडिकुलर, तो बी सी साइन थीटा मतलब क्यू साइन थीटा, ये भी बात समझ में आया। फिर उसके बाद ए ई कितना हो गया, ए ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, क्या लिख सकते हैं, बराबर पी प्लस क्यू कितना कॉस थीटा। ये बात समझ में आया, इज इट कंफर्टेबल, थोड़ा सा गौर से देख लें। बी ई इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, सी ई इज इक्वल टू हाउ मच क्यू साइन थीटा, ए ई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इज इट कंफर्टेबल। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई, और ये ए सी ई कौन सा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब बतलाइए ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये कितना है बेस। तो आप सभी जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस हाउ मच सी ई स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी कितना है बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जब इसको हम एक बार फिर सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये हुआ। और अगर इसका डायरेक्शन पता करना चाहें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, अब डायरेक्शन का भी पता करना है तो हम ये कर रहे हैं कि इसको फिर एक बार मिटा रहे हैं। आपने ये देखा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, बेस हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, ये सब बातें आपको क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा एक बार फिर से हम इसको रीराइट करते हैं। अब देखिए आगे का कहानी ये है कि हम जो लिखे ए ई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कितना कॉस थीटा एंड सी ई इज इक्वल टू हाउ मच क्यू साइन थीटा। अब ये ट्रायंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम सभी जानते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस हाउ मच सी ई स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। तो दिस इज ए सी इज इक्वल टू आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। This implies R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. ये resultant. अब आगे का कहानी है direction. डायरेक्शन के लिए हमको ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए अल्फा है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब सीई डिवाइडेड बाय ए। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू सी कितना है क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कितना है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन के लिए और ये मैग्नीट्यूड के लिए कंफर्टेबल। तो अब ये दो फॉर्मूला हमको पता हो गया। अब जो है एक एग्जांपल और देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने एक सवाल देखा था और वो सवाल ये था कि एक वेक्टर अगर p बराबर 4 मीटर
ईस्ट, अब फिर दूसरा क्यू ई बी पर है, तो हाउ मच 3 मीटर ईस्ट, तो रिजल्टेंट आर बराबर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 7 मीटर ईस्ट, ये हमने देखा था। फिर दूसरे में हमने देखा था अगर एक वेक्टर पी है और वो 4 मीटर ईस्ट और दूसरा वेक्टर क्यू है जो 3 मीटर वेस्ट, तो यहां पर रिजल्टेंट आर बराबर हमने लिखा था पी प्लस क्यू बराबर हाउ मच 1 मीटर ईस्ट। तीसरा सवाल हमने देखा था अगर एक वेक्टर पी है दूसरा वेक्टर क्यू है, अब ये 3 मीटर ईस्ट और क्यू इज इक्वल टू 4 मीटर ईस्ट और ये 3 मीटर नॉर्थ, तो रिजल्टेंट आर मोड आर बराबर 5 मीटर हमने देखा था। अब यहां पर ये देखिए यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, सॉरी 1 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। अब इसी बात को हम थोड़ा सा दूसरे अंदाज में समझने का कोशिश करें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, यहां पर थीटा कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 इज इक्वल टू वन, तो सिंपली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बराबर 7 यूनिट। अब ये 7 और ये 7, फिर इस केस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, अब यहां पर थीटा कितना है 180 डिग्री, तो कितना होगा r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2PQ, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस q का होल स्क्वायर बराबर 1 यूनिट, लिख सकते हैं। फिर इस केस में थीटा 90 डिग्री, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और यहां पर cos थीटा कितना है 90 डिग्री, cos 90 0, तो बराबर हो गया आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 5 यूनिट। ये तो हमने इस चीज को देखा और ये जो चीज था उसको हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। इसके बाद हाउ टू राइट वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन ये हम अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।